मौजूद है जंतर मंतर पे, जहां आज बाबा बागेश्वर धाम के सपोर्ट में यहां पे काफी साधु संत आए हैं और बच्चे बुजुर्ग महिला सभी यहां पे मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये लोग यहां पे क्यों आए हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम गिरीश चंद पांडे है, मैं बागेश्वर बालाजी दिल्ली शिष्य मंडल से आया हूँ। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? वजह है हमारे गुरु भगवान के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है और उसके विरोध में उनके विरोधियों को जो विधर्मी है उनको एक जवाब देने आए हैं कि आप अब सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारना जानते हैं। दूसरा, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है हमें। तीसरा, गुरु जी को जेल सुरक्षा, जेल श्रेणी का सुरक्षा देना। बाबा बागेश्वर धाम बताया जा रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। ये देखिए, जो बोलने वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, जाने के लिए जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो बालाजी में रम जाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम में बालाजी की शक्ति है और बालाजी सब पे कृपा करते हैं। और एक बात बोलने वालों के लिए तो मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ कि जय चंदो सुधर जाओ, जय चंदो सुधर जाओ। बाबा बागेश्वर धाम ने अभी गुल बजा दिया है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और बाबा को जेल में सुरक्षा मिलनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्या ने भी रामचरित मानस को लेकर काफी कुछ बातें कही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मुझे कहते हुए बहुत ही हंसी आ रही है, बोलना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद जी एकदम ही मूर्ख हैं। वो समाजवादी पार्टी को लेकर चलते हैं, समाजवादी पार्टी यानी समाज को लेकर चलना चाहते हैं और उसी समाज का वो अपमान कर रहे हैं। रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, ये कैसे समाजवाद है? ये कैसा समाजवाद है? अखिलेश जी आप देखिए, स्वामी प्रसाद जी जो अपने बाप को बाप नहीं, अपनी माँ को माँ नहीं बोलते हैं, भारत माता का अपमान करते हैं और रामचरितमानस का अपमान करते हैं यानी भारत माता का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज आप यहाँ पे धर्म संसद लगाए हैं, ये कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी? धर्म संसद का मकसद क्या है? धर्म संसद कराने का मकसद ये है कि हम हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान के जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को, चाहे वो किसी भी देवी देवता को मानते हो, चाहे वो किसी देवी देवता को मानते हो, वो अपने सनातन धर्म को मानते हुए आप सभी लोग इकट्ठा होइए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करिए और हिंदू राष्ट्र की मांग करिए। पूरे देश के अंदर जितने भी देश में रहते हैं अपने हिंदुस्तान, मतलब सनातन धर्म को मानने वाले, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। ये कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे चलेगी? ये शुरू 9 बजे हो गया था, अब देखिए अनवरत चल रहा है, अभी अनवरत चल ही रहा है, देखिए थोड़ी देर में समापन होगा, 5 बजे तक चलेगा। यहाँ पर अभी कितने साधु संत आए हैं, कहाँ कहाँ से आए? बहुत से लोग आए, सबको निमंत्रण दिया गया है, देखिए कितने कितने लोग आ जाते हैं, आने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। और भी लोगों से बात करते हैं, आपका परिचय? मैं योगी करणनाथ ओगड़, नाथ संप्रदाय से। यहाँ पे इतने साधु संत आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई भी अगर धर्म के ऊपर बात आती है तो साधु संत हर जगह इकट्ठा होते हैं और मैं एक हिंदुओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो सरकार धर्म के साथ खड़ी है, जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो 800 साल तक गुलामी आपने सहन की, अब दोबारा से उस गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। अगर गुलामी नहीं करनी तो जो सरकार धर्म के साथ खड़ी है, जो न्यूज चैनल धर्म के साथ खड़ा है, जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री, लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस पे क्या कहना है? लोगों उसके कहने से कुछ नहीं होता, ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सत्य का प्रचार कर रहे हैं। लोग तो अपने बाप को भी बाप नहीं मानते। स्वामी प्रसाद मौर्य है, एक गली का कुत्ता है जिसको बीजेपी ने लात मार के भगा दिया, आज वो धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, तो इन कुत्तों का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। जो लोग आपको देख रहे हैं उसको क्या संदेश देंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं आज क्या संदेश देंगे उनको? सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म प्रेमियों, आप सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, एक हो जाओ और अपने सनातन धर्म का मांग करो, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के साथ में रहना है, इसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब आप जो है जो मिथ्या बोल रहे हैं, जो उल जुलूल की बातें कर रहे हैं, वो करना बंद कर दीजिए। सारे हिंदू जग चुका है और हम अस्त्र भी चलाना जानते हैं, भी शस्त्र भी चलाना जानते हैं और वेद पुराण का पाठ भी करना चाहते हैं।
तो हम स्वामी प्रसाद जी को यही कहना चाहते हैं कि अपनी माँ को माँ बोलो, अपने बाप को बाप बोलो और भारत माता की जय बोलो, और देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना ही होगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय सनातन। आपने देखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे साधु संत जो लगातार इस जंतर मंतर पे धर्म संसद लगाकर बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे चलता रहेगा और इनका कहना है साफ तौर पे कि सरकार को हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अभिषेक नैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।